हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल दी राहुल ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे हर एक राइडर का सपना होता है, क्योंकि ऐसे रास्तों पे चलाना जहाँ पे कि थोड़ा बहुत चैलेंजेस हो, थोड़ा बहुत थ्रिल हो, थोड़ा एडवेंचर हो। और वो प्लेस का नाम है कोली हिल्स। कोली हिल्स मतलब एक ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन अगर इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो ये है, इसे जाना जाता था माउंटेन्स ऑफ डेथ, क्योंकि ये एक 1300 मीटर्स के हाइट पे है। और जो ऋषि मुनि जो है, ये है पहले तपस्या करने के लिए यहाँ पे जाते थे, लेकिन जो बुरी शक्ति है इन्हें ढूंढ के ये पहाड़ को नष्ट कर दिए। आज मैं और देव भाई जा रहे हैं कोली हिल्स, और ये मॉर्निंग 5:30 हुआ है। स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स कोली हिल्स। अच्छे से नज़ारे स्टेडियम, आगे मिलते हैं वीडियो में। क्या बोलते हो देव भाई? ओके, तो मिलते हैं आगे, अभी तो पीस है। तो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फिर से, और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं होटल मंगला विलास, एंड कृष्णगिरी में है ये। 60 किलोमीटर्स हम लोग कवर कर लिए हैं। मैप में दिखा रहा था जब शुरू किए 239 जो कोली हिल्स का एंट्रेंस है वहाँ पर, और हम लोग कवर कर लिए हैं। अभी दिखा रहा है 163, तो इट्स नाइस। और हमारे देव भाई के साथ आज सुबह का राइड और नाश्ता, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो भाई भाई, क्या उम्मीद है, कैसा रहेगा आज का दिन? मैं पहले भी जा चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, पहले तो जा चुके हो, तो फ्रीक्वेंट राइडर हो। जगह काफ़ी अच्छा है, और जगह अच्छा है उतना, बट वो मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज कुछ बादल बादल का सीन नहीं है, तो आज टोटली राइड के लिए जा रहे हैं। व्यू वगैरह का कोई सीन नहीं है, उतना कुछ खास नहीं रहेगा। बट ऑब्वियसली भाई जी ड्रोन शॉट लेने वाले हैं, तो फिर आपको जो 70 एयर पिन बन गया तो ऊपर से कैसा दिखता है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों का सवाल होगा कि हम लोग ब्रेकफास्ट क्या किए, तो अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है। ये है मसाला डोसा, और हमारे भाई का भी सेम, और ये अच्छा है। ये कुछ 60 किलोमीटर्स के बाद में यहाँ पड़ता है, तो यू कैन हैव इट, एंड हाइजीनिक भी है। और इसमें आपको मिलेगा 70 हेयर पिन बैंड्स, जो कि डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग है और बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं कोली हिल्स, जो है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु में, और ये ब्यूटीफुल प्लेस है 280 स्क्वायर फीट किलोमीटर्स में। और इसको जो है अगर आप विजिट करते हैं तो डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए जुलाई के बाद या फिर अप टू जनवरी, क्योंकि अभी जाने से थोड़ा बहुत गर्मी रहती है, जो आपको दूसरे सीजन्स में अच्छा अनुभव मिल सकता है। और ये पहुंचने के लिए आप बेंगलोर से सेलम, ईरोड ये सब होके गुजरना पड़ता है, और अराउंड 300 किलोमीटर्स के आसपास का है। और यहाँ पे देखने के लिए जो बाकी सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि अरापलेश्वर टेम्पल, बोटानिकल गार्डन, ट्रम्पकॉल मेडिसिनल फार्म, तो ये जो पहाड़ है यहाँ पे मोस्टली आपको ज़्यादा पाए जाएंगे मेडिसिनल प्लांट्स। और यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो कि आ गया वाटरफॉल्स है, आ गया गंगे वाटरफॉल्स, अराउंड 1300 स्टेप्स हैं, जो आपके लिए एक सही ट्रैकिंग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है जो नए होंगे। और आपको जो वाटरफॉल मिलेगा 300 फीट पे मिलेगा, तो जो नज़ारा होगा काबिल तारीफ, एंड इट वर्थ एक्चुअली। कोली हिल्स का जो नाम है ये पड़ा है कोली मलाई से, इट मीन्स
माउंटेंस ऑफ डेथ। तो चलिए माउंटेंस ऑफ डेथ में अपनी खुशी, अपनी जो एडवेंचरस राइड है पूरी करते हैं। वीडियो पे बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो पे दोस्तों, ऐसे वीडियो आते रहते हमारे चैनल पे, तो एक भी मिस नहीं करना है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं कोली हिल्स के स्टार्टिंग में, एंड यहां से हम अपना सफर जो है शानदार सफर शुरू करेंगे। यहां पर कुछ फोटोज लेके फिर शुरू करते हैं टुवर्ड्स कोली हिल्स। तो दोस्तों हम लोग शुरू किए 5:30 के आसपास मॉर्निंग, एंड पीछे कुछ रास्ता किया 60 किलोमीटर के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो दोस्तों यहाँ पे हेयर पिन बेंड्स में चलाते वक्त एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाओ जाते वक्त, और जो सामने से गाड़ी आएगी उसे राइट साइड से आने के लिए पूरा रास्ता दे ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि यहाँ पे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप ये हिल्स में आते हैं तो डेफिनेटली आपको मेक श्योर करना है कि आप वाटर बॉटल साथ में लाए हैं एंड आपके पास इनफ पानी है, क्योंकि गर्मी बहुत है तमिलनाडु में एंड स्पेशली इस तरफ। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ये कोली हिल्स में आपको अच्छा वेदर देखने को मिलता है, बट फिर भी आपको पानी इनफ रखना है। हम लोग भी पानी इनफ रखे और ऊपर जाने के चीज़ मिलता है खाने पीने की चीज़ें, तो ये आपको मेक श्योर करना है, चाहे आप फैमिली के साथ आओ या फिर अकेले आओ, नहीं तो तबीयत जरूर ख़राब हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको मिलता है वाटरफॉल, वाटरफॉल में आपको मिलता है 1300 स्टेप्स चढ़ने के लिए, एंड जो वाटरफॉल गिरता भी है वो है अराउंड 300 मीटर्स पे, तो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है, तो वर्थ है यहाँ पे आने का। एंड यहाँ पे स्पेशली जो हेयर पिन बेंड्स है मज़ा आता है चलाने में, बस आपको एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा केयरफुली चलाना है, लिमिटेड स्पीड में, ऑलमोस्ट 60-70 स्पीड में या फिर उससे कम, एंड एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाना है जाते वक्त, और आते वक्त एक्सट्रीम राइट में चलाना है, ये आपको संभल के चलाना है। और जो हॉर्न है इन बिटवीन टर्निंग्स में बजाते रहना है, बजाते रहो। तो दोस्तों ये सही से याद नहीं, लेकिन ये कुछ 46th हेयर पिन है, एंड यहाँ पे हम लोग रुक के कुछ फोटोज़ लिए एंड यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाए, तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब व्यू आता है माउंटेन्स का, एंड जो स्काई का नज़ारा भी है बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे यहाँ से निकल के फिर नीचे से गुजर के जाती है, वो बहुत ही लाजवाब दिखता है, एंड स्काई का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों यहाँ से ही हम ड्रोन को ऊपर उड़ाए और ये कुछ नज़ारा ऐसा है, देख सकते हैं आप।
हल्दिया माले में बालेश्वर आप गए हो? अच्छा तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए आखिरी पिन में, हेयर पिन में, ये है 70/70 70/70 फाइनली वी हैव डन इट। हां तो अपने 70 हेयर पिन बेंच थे और ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें लिखा हुआ है कि कौन से हेयर पिन बेंच से आप जा रहे हो, तो 70/70 मतलब हम लोग सारा कवर कर चुके हैं, तो हम लोग 70/70 कर लिए। ऊपर और भी रास्ता ऊपर जाकर के है कुछ नहीं, बस एक आगे चल के गांव है और एक वाटरफॉल है, आ गया वाटरफॉल तो देखते हैं कैसा है एंड वीडियो पे बने रहिए, लेट्स सी। तो दोस्तों ये 13 स्टेप्स नहीं है, 1300 स्टेप्स है और वाट लग जाएगी, सोच समझ के आना अपने रिस्क पे, लेकिन आना जरूर, लेट्स सी लगता है ये वर्थ है। चलने के बाद आपको ये नसीब होगा देखने, रियली वर्थ है नो डाउट, ये मेहनत देखने के बाद में मेहनत लगेगा, आने में उतना मेहनत नहीं था। अभी जाते वक्त जो स्टेज से चढ़ने में ही मुश्किल होगी, तो अभी पता चलेगा जाने के बाद, एक्सपीरियंस बताएंगे। ये है आ गया गंगे फॉल्स, अभी समर सीजन में अगर ऐसा है तो सोच सकते हो कि बारिश में और विंटर में कैसा होगा, तो लाजवाब है, यहाँ पे आप आके आराम से स्नान कर सकते हो, सेफ्टी प्लेस है। तो दोस्तों अभी चढ़ना है, देख सकते हैं